हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 1 की। और गाइस, आपको मालूम है कि कल जो नथिंग फोन 1 है वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है और अब इसे आप परचेस भी कर सकते हैं। और इसकी क्या प्राइस है, मैं आगे सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। इसके स्पेसिफिकेशन तो आपको मालूम है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं लॉन्च होने के बाद में, मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यार, जो है ना, अपन अभी नए यूट्यूबर हैं और अपने पास में इतना पैसा तो है नहीं कि अपन अब उसे ऑर्डर करें और उसकी अनबॉक्सिंग करें, मगर उसके जो फर्स्ट लुक है और जो उसके अनबॉक्सिंग है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जुगाड़ से, आप समझ गए होंगे। और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिलता है, क्या इसमें खास है, क्या सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है और आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। तो देखो यार, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको तो मालूम ही होगा, बट मैं आपको फिर से रिविजन करा देता हूँ, मतलब कि यार आपको कभी हो सकता है कि नहीं भी मालूम होगा। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरे की। कैमरे से स्टार्ट करेंगे हम। दो कैमरे मिलते हैं इसमें आपको, और 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल के दो रियल कैमरे मिलेंगे। जो फर्स्ट कैमरा है आपको उसमें सोनी का IMX i766 देखने को मिलेगा। जो इसका सेंसर है वो बहुत काफी अच्छा देखने को मिलता है, और ये फ्लेक्सिबल लेवल वाले कैमरा में देखने को मिलता है आपको। और जो इसके सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 16 मेगापिक्सल IMX 471 देखने को मिलता है। तो हाँ, आप सेल्फी भी अच्छे खासे इससे निकाल सकते हैं। और इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो आपको डिस्प्ले का तो मालूम ही होगा, 6.55 इंचेस की एक फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है इस फोन में। और गाइस, मैं बता दूं, इसमें आपको नॉच कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिलती है। पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और जो इसका चिन है ऊपर का, नीचे का, साइड का, सारे आपको एक से बेजल देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली में इसका जो लुक है वो अच्छा देखने को मिलता है। और इसमें 4500 mAh मतलब 4500 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा विद वायरलेस चार्जर, एंड आप रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि नथिंग के जो TWS है उन्हें आप इसमें रख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये चार्ज होने लगेगा। और रैम रोम की बात कर लें तो दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं इसमें आपको, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मेमोरी। जो सेकंड वाला वेरिएंट है उसमें आपको 12GB की रैम और 256GB की रोम देखने को मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस देखने को मिलता है 5G वाला, और इसमें 5G के 12 बैंड देखने को मिलते हैं, तो अच्छी बात है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो पीछे का बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और इसमें नोटिफिकेशन लाइट अलग से है, और जो इसके LED लाइट है वो अलग से हैं। रिंगटोन के साथ में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे गाइस कि आपको इस फोन को इसके डिज़ाइन के लिए, मतलब इसके स्पेसिफिकेशन तो ठीक ही ठाक है, बट आपको दूसरे फ़ोनों में भी देखने को मिल जाते हैं, मगर इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हम बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसके डिज़ाइन के लिए ही आपको 35,000 देना पड़ेगा, मतलब कि जो स्टार्टिंग रेट है इसका, जो प्राइस है इसका, आपको 3499 में ये फ़ोन आपको अभी बुकिंग करने के लिए देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। आप फ्लिपकार्ट में जाके इसे परचेस कर सकते हैं, मतलब कि आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसमें आपको दो कलर वेरियंट देखने को मिलते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लेना, मतलब ब्लैक आपको अच्छा लगता है या फिर वाइट अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली में वाइट वाला जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब अच्छा लगता है। ट्रांसपेरेंट कवर भी आप यूज़ करेंगे तो कोई भी फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं आपको। पहले आपने सुना होगा साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट है इसमें, बट मैं आपको बता दूं, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है OLED डिस्प्ले के साथ में। अब यार, बात हो गई स्पेसिफिकेशन की, अब बात कर लेते हैं कि आपको इस बजट में, इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यार, दो कैटेगरी के बायर्स होते हैं, मतलब कि उनको एक तो परफॉर्मेंस लिए या फिर कैमरे या फिर स्पेसिफिकेशन के लिए कोई भी फोन को परचेस करते हैं, मगर जो सेकंड कैटेगरी में लोग आते हैं वो मतलब दिखावा के लिए या फिर शौक के लिए अपने फोन को परचेस करते हैं, शो अप करने के लिए। तो इस फोन में तो शो अप भरा पड़ा है, पीछे देखेंगे आप पूरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, और जो इसे ग्लिच लाइट है वो LED जो लाइट है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है शो अप करने के लिए या फिर दिखाने के लिए, वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्टिव बना देगा इस फोन के साथ में। और गाइस, आपको बता दूं, स्पेसिफिकेशन तो कुछ देखो आपको अदर फोन में भी देखने को मिल जाएंगे। इसके में जो स्पेसिफिकेशन है, कैमरा और जो प्रोसेसर है और जो इसके जो भी स्पेसिफिकेशन है, वो सारे अदर फोन में भी देखने को मिल जाते हैं, इससे कम बजट में आपको देखने को मिल जाएंगे।
और यदि आप चाहते हैं सेकंड कैटेगरी में आते हैं शो ऑफ करना या फिर आप एक नए फोन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप इसे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।